हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर 2021 और आज की वीडियो करंट अफेयर्स पर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था एसएससी एमटीएस के बारे में। उस वीडियो से रिलेटेड मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए कि हमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में बताओ। और अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर भी देख सकते हैं जो कि राइट साइड होता है। तो चलिए हम जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एसएससी खुद, जिसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसके लेवल की बात की जाए कि इसका लेवल एग्ज़ाम का कितना टफ होता है, तो वो इजी टू मॉडरेट होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको एक मार्क दिया जाएगा, मतलब एक नंबर दिया जाएगा, और गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब काट लिए जाएंगे। इस बार इसमें टोटल वैकेंसी है 7,913 की। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वैसे वेरी करता रहता है, लेकिन 2021 में इसका एग्ज़ाम डेट है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। अगर आप अगली बार इसका एग्ज़ाम देंगे वेरी करेगा। पहले मोड के बारे में जान लेते हैं। इसका मोड है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब इसे कंप्यूटर पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। अब इसके सिलेबस का पैटर्न देखें तो इसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स ईच के होंगे। टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, मतलब टोटल 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब बात कर ले इसके मीडियम की, तो ये क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस गिवन होंगे। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। और अगर अब इसमें डिटेल सिलेबस की बात की जाए तो इसमें डिटेल सिलेबस भी नेक्स्ट पेज पर गिवन है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हर एक पार्ट को डिटेल में बताया गया है कि कैसे पार्ट वन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे इसमें यहाँ एनालॉगी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, और नीचे देखें तो ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अरिथमेटिक, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग पर बेस्ड होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट बी था, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा करंट इवेंट्स, मतलब आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि आप कितने अपडेटेड हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स जो होगी वो बेसिक मैथ्स पूछी जाएगी, जैसे परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। और जो पार्ट डी होगा जिसमें इंग्लिश हिंदी कैंडिडेट्स होंगे, मतलब कि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, उसमें आपको एक बेसिक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट किया जाएगा। तो ये था एसएससी जीडी का सिलेबस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या क्वेरी है एसएससी जीडी से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।